अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने अपने पहले लेक्चर में फर्स्ट ईयर की मैथ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में कहा था कि हम प्रॉपर तौर पे जब मैथ फर्स्ट ईयर की पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, कि जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि ये आई कहाँ से है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड का मजमुआ है, पहला ट्राई, दूसरा गोनी और तीसरा मेजरमेंट। तो ट्राई का मतलब आपके पास है थ्री और गोनी का मतलब आपके पास है एंगल्स और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई एंगल की मेजरमेंट करना सीखेंगे, या इस तरह से कह लें कि तीन एंगलों की मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। वो फंक्शंस कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। पहला फंक्शन हमारे पास है साइन थीटा, दूसरा हमारे पास है कॉस थीटा और तीसरा फंक्शन हमारे पास है टेन थीटा। जी आप याद रखेंगे कि जो पहला फंक्शन हमारे पास है साइन थीटा, इसको मदर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले लिखेंगे वो सारे साइन थीटा से निकालते हैं। इन्हीं फंक्शंस के तीन ओल्ड फंक्शन भी हैं, वो कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। मतलब कि वन ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, वन ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंट थीटा, वन ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। जी स्टूडेंट्स, आप इसको याद किस तरह से रखेंगे, साइन थीटा का उल्ट है कोसेकेंट थीटा। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि फंक्शन आपके पास हो एस वाला तो उसका जो उल्ट है वो है सी वाला, फंक्शन आपके पास हो सी वाला मतलब कॉस थीटा तो वन ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है सेकेंट थीटा के। इधर फंक्शन हो सी वाला तो उसका उल्ट क्या है सेकेंट थीटा। अब हम पढ़ेंगे कि इस साइन कॉस और टेन की वैल्यूज क्या होती हैं। याद रहे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में जीरो से लेके 360 तक साइन और इनके उल्ट फंक्शन की वैल्यू यूज करते हैं। तो हम जीरो से 90 तक टेबल बना के सॉल्व करेंगे, उसके बाद 180, 270 और 360 की जो वैल्यूज हैं वो एक डिजिट पे मुश्तमिल है, किसी की 1 है, किसी की 0, किसी की -1। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वैल्यूज किस तरह से फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं साइन थीटा 0, 30, 45, 60, साथ में 90। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको याद किस तरह से रखेंगे कि वैल्यूज में गैप कितना था। आप गौर से देखें तो पहला हमने लिखा 0 से 30, मतलब के पहले में गैप है 30 का, उसके बाद 45, 60, लास्ट पे फिर 90, मतलब के फर्स्ट और आखिरी डिग्री में गैप है 30-30 का और दरमियान में गैप है 15-15 का, मतलब 15-15 का। तो हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4, गिनती लिखेंगे तरतीब से 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसे डिवाइड करते हैं सभी को 4 से, 4, 4, 4 और साथ में 4। जी क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जी 0 ओवर 4। मैथ में जब भी नोमिनेटर में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में कोई भी हिस्सा हो वो इक्वल है 0 के, 0, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का 2, जी 2 1 से 2 2 से, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का 2 अंडर रूट, वैसे का वैसे 3 अंडर रूट, 4 का अंडर रूट हम क्या लिखेंगे 2, ये आपस में कैंसिल तो 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि हमने स्टार्ट से ही कहा कि साइन थीटा को मदर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यूज किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4 सभी टर्मों को डिवाइड किया 4 से, अंडर रूट ले लेते हैं, जो वैल्यूज बनेगी ये बनेगी साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, साइन 45 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट, साइन 60 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर 2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब इसी वैल्यूज को हम, ये पहले हमारे पास तरतीब है सीधी, तो
ये वैल्यूज है साइन थीटा की, इसी को उल्टा के लिखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट पे उसको पहले लिखेंगे कॉस थीटा, ये लास्ट पे है वन तो हम लिखेंगे वन, थ्री अंडर रूट ओवर टू तो थ्री अंडर रूट ओवर टू, वन ओवर टू अंडर रूट, उसके बाद वन ओवर टू और साथ में जीरो। जब इसकी तरतीब हम तब्दील कर देते हैं तो यही वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कॉस थीटा की। आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल है, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के इक्वल है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप एक फंक्शन की 30 की वैल्यू लेंगे वो दूसरे फंक्शन के 60 के इक्वल है, अगर आप एक पहले फंक्शन साइन की 60 की वैल्यू को देखेंगे तो वो कॉस वाले फंक्शन के 30 के इक्वल है, और साइन और कॉस 45 की वैल्यू दोनों की सेम होती है 1 ओवर 2 अंडर रूट। इसी तरह से अब हम लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि जो आपके पास tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा, कि sin और cos की जब वैल्यू हमारे पास मौजूद हो तो हम tan थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास sin की वैल्यू है 0, cos की क्या है 1, तो मतलब 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से 1 ओवर 2 ओवर 3 अंडर रूट ओवर 2, तो किस तरह से लिखेंगे 1 ओवर 2 3 अंडर रूट ओवर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1 ओवर 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल तो 1, 2 से 2 कैंसिल तो 3 अंडर रूट, 1 ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स अनडिफाइंड का कोई अपना साइन नहीं है, लेकिन हम इंफिनिटी लिख देते हैं कि इसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन की 0 से 90 तक वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके बाद आज की हम आखिरी बात सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यूज के साथ साथ कुछ डिग्रीज और रेडियन इस्तेमाल करते हैं। तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 रेडियन किसके इक्वल है, तो ये लिखते हैं 1 डिग्री, डिग्री का आपके पास साइन है कुछ इस तरह से, तो 1 डिग्री आपके पास इक्वल है पाई ओवर 180, और 1 रेडियन किसके इक्वल है 180 ओवर पाई। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल है पाई ओवर 180, और जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल है 180 ओवर पाई। या आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि जब हम रेडियन की बात करते हैं उसमें हम हिस्सों को ऊपर लिखते हैं, और जब हम डिग्री की बात करते हैं उस वक्त हम पाई को ऊपर लिखते हैं। उसके बाद आज की हम आखिरी बात करेंगे कि 1 डिग्री इसमें मिनट कितने होते हैं 60, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, और उसके बाद 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। हमने बात क्या की, 1 डिग्री में अगर कोई पूछे कि मिनट्स कितने हैं तो हमने कहा 60। इस याद है कि जो हमने एक लाइन लगाई है इसका मतलब है कि हम मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं तो हमने फिर से लिखा 60। अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं तो हम क्या लिखेंगे 3600 लिखेंगे या 3600 लिखेंगे। जी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फंक्शंस कौन से इस्तेमाल करते हैं, साइन कॉस टैन की 0 से 90 तक वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके बाद 1 रेडियन 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री में मिनट्स कितने इस्तेमाल होते हैं, 1 डिग्री में सेकंड कितने होते हैं। उस जी स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर किसी को किसी बात की समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। अल्लाह हाफिज़।